गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू श्रेय आर्टिस्ट। दिस इज कोमल सिंह सीरा और मैं जा रही हूँ नीचे रिसेप्शन पे, मेरा बैग लेके, दोनों जो मैं लाई थी। 6:48 हुए हैं, नीचे जाके रिसेप्शन पे मैं चेकआउट करती हूँ और फिर ड्राइवर भैया को कॉल करती हूँ। इट वॉज़ अ नाइस डे इन फेयरमोंट होटल। अभी सुबह हो रही है तो सब सो रहे होंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हाँ चलो नीचे चलते हैं। बाप रे, कैमरा इज हैवी। आगे लुक, बताना भी तो पड़ेगा कहाँ जाना है। ग्राउंड फ्लोर। देखो कितना ब्यूटीफुल है। हाय, आई एम चेकिंग आउट फॉर रूम नंबर 144। हाँ जी, ओके। किसी को बुला रहे हैं अभी। यहाँ लिखा कीज, ड्रॉप द कीज हियर, पर किसी को दिखा के फिर मैं ड्रॉप करूँगी ताकि उनको पता रहे कि मैंने अपनी की ड्रॉप कर दी है। हाय, आई वुड लाइक टू चेक आउट फॉर रूम नंबर 144। हाँ जी, 144। थैंक यू फॉर योर सर्विस, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट स्टे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कूल। चलो दोस्तों, अब हमारा और फेयरमोंट का रास्ता होता है अलग अलग। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो शायद रुकूँ, शायद ना रुकूँ। हाँ चलो चले घर। रणधीर भी वेट कर रहा है भाई। अरे बाप रे, लाइट बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं हुई, एडजस्ट हो गई। मैंने भैया को कॉल नहीं किया, दो मिनट कॉल करते हैं। हेलो लक्ष्मण जी, जी आप आ गए होटल के बाहर? ठीक है, मैं भी बाहर ही आ रही, जस्ट दो सेकंड में। ओके थैंक यू। चलो वो तो होटल के बाहर ही खड़े हैं अपनी, अच्छे से टाइम से आ गए वो तो। चलो चले हम भी टाइम से, हम भी उनको वेट ना करवाएं भाई। लेट्स गो एक बार और, लेट्स गो और गो। ऑलराइट गाइस, हम फेयरमोंट होटल से ये निकल गए हैं। अच्छा स्टे था, मुझे मज़ा आया काम करके, यहाँ पे स्टे करके, और ये एक्सपीरियंस वो है जो मैं याद रखूँगी। अब मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। दोस्तों अब एयरपोर्ट जस्ट 12 किलोमीटर्स बाकी है, तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ और एकदम टाइम से पहुँच गई हूँ। मैं अच्छे टाइम से पहुँच गई हूँ। अभी 7:22 हो रहे हैं, 7:30-7:35 तक मैं पहुंच जाऊंगी और मेरे पास फिर से 2 घंटे होंगे सारा कुछ करने को। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा होगा मुझे चेक इन करने को, बैगेज चेक इन करने को, सिक्योरिटी चेक इन करने को। उसके बाद मैं फ्री होंगी 1 घंटा, तो मैं अपना अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। टाइम मिल जाता ना फिर अच्छा ब्लॉग बन जाता है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि भागे भागे में कुछ ब्लॉग छूट जाता है या कुछ सामान छूट जाता है या लगता है कि यार अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, फटाफट ना दिमाग में समझ नहीं आता। इसलिए अपना अच्छे से मैं, मुझे टाइम चाहिए था जब मैं ब्लॉग करती हूँ तो, और कहीं पर भी ट्रैवल ब्लॉग स्पेशली मुझे अच्छा टाइम ले के करना होता है जब मैं अकेली जा रही होती हूँ। जब रणधीर होता साथ में फिर तो कोई बात ही नहीं होती, हाफ ऑफ काम बट जाता है और अच्छे से हम ब्लॉग कर लेते हैं। अब आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पे, अब सच्ची में एयरपोर्ट में मिलूँगी, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने एयरपोर्ट में एंट्री कर ली थी, सिक्योरिटी चेक इन कर लिया था, अब मुझे बस बैठना है। और मैं भूल गई थी कि जयपुर का एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, तो मुझे, मेरा गेट है 1B और अभी काफ़ी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी पूरा 2 घंटे हैं। मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या करूँगी क्योंकि जयपुर का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, घूम भी नहीं सकते। तो बस मैं खाऊंगी बैठ के, जो मेरे पास फ्रूट्स वगैरह हैं तो बस मैं वो खाऊंगी और कुछ नहीं। ये रहा अपना बैग, ये रहे अपन, फ़ोन फान लगाते हैं सबको कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, आ जाऊंगी। मम्मी को बताती हूँ कि मेरा शूट हो गया सारा, अब मैं एयरपोर्ट पर हूँ। चलो गाइस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले फैमिली से बात करती हूँ क्योंकि आपसे मेरी बात अभी तक की हो चुकी है। बस हमें वेट करना है, 9:30 की फ़्लाइट है, 7:46 मतलब कि 7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं। ऑल राइट, मैं ऑल राइट क्यों बोलती हूँ, ऑल राइट तो रणधीर बोलता है।
मैं भी ऑलराइट बोलने लगी हूँ. व्हाट्स अप गाइस, बैक टुगेदर आफ्टर 4 डेज. नहीं 5 डेज, शायद 4 डेज. नहीं 4 डेज क्यों, 11th को ये मेरे को छोड़ने भी गया था. चलो इसी बात पे बहस कर लेते हैं. नहीं और पता है दोस्तों, मैंने इसके बाद ब्लॉग क्यों नहीं किया? आपने लास्ट मुझे एयरपोर्ट पे देखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया? मेरे से पहले पूछो. नहीं हमें नहीं पूछना. आप मेरे से पूछो दोस्तों, मैं इतने दिन से ब्लॉग पे नहीं आया, इससे क्या पूछना है, ये तो बता ही रही है. इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास. अच्छा चल बता भाई क्या हुआ. मैं ना फोन पे बात कर रही थी रणधीर से, ठीक है. तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सीट है, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ. यहाँ से एक पुलिसमैन खड़े हो गए और यहाँ से एक लेडी खड़ी होगी, है ना. तो मैंने रणधीर को बोला, रणधीर चल मैं फोन रखती हूँ, एक मिनट रुक जा, कुछ बात हुई है, ठीक है. मैंने ऐसे करके फोन रख दिया. फिर रणधीर तब तक सोच रहा होगा कि भाई क्या हुआ, है ना. बिल्कुल ऑब्वियसली ये मेरा ऐसे फोन कभी रखती नहीं है, इसने कहा चल मैं रखती 2 मिनट. हाँ तो फिर पता क्या हुआ, फिर ना वो मेरे से लेडी पूछने लगी कि आपने शूटिंग की परमिशन ली है? मैं कहा नहीं. मैं कहती तो किसके लिए बना रहे हो आप? मैं कहा हम लोग यूट्यूब पे चैनल है तो उसके लिए बना रहे हैं ये व्लॉग्स ना, हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं इसको. कहती नहीं मैडम आप बिल्कुल नहीं कर सकते. मैं कहा नहीं, मैंने तो दिल्ली एयरपोर्ट का भी किया था और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया ऐसे, और वहाँ पे हम सबके सामने ही कर रहे थे, ऐसे कहीं छुप के तो नहीं कर रहे थे, है ना. बोलती नहीं नहीं आप ऐसे कर ही नहीं सकते हैं, सेंसिटिव एरिया होता है एयरपोर्ट, आपको पता नहीं है. चिल्लाने से लग गई वो लेडी, है ना. तो मैंने कहा आप कहोगे तो मैं डिलीट कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं करूंगी. और मैंने लास्ट वाली फुटेज डिलीट भी करी उनके लिए, ठीक है. तो फिर पर वो फिर भी चिल्लाई जा रही थी, है ना. फिर सर आगे बोलते हैं, जो पुलिसमैन नहीं कहेंगे उनको, जो वर्दी में थे मतलब ना, गार्ड होंगे. हाँ तो वो सर बोलते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते मैडम, ऐसे करके है चीज़. मैं कहा ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो मैं ये फुटेज डिलीट कर देती हूँ, है ना. उन्होंने बात अच्छे से समझा दी और चलो मैंने भी कर ली. वो तो लेडी चिल्लाई जा रही थी मुझ पर. फिर वो कहती नहीं, मैंने कहा वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने दिल्ली एयरपोर्ट का भी कर रखा है और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, और मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को देखा है जो कि एयरपोर्ट पे शूट करते हैं और कर सकते हैं, मतलब एयरपोर्ट पे शूट कर सकते. फिर मैंने आगे पढ़ा भी उस चीज़ को कि एयरपोर्ट पे आप शूट कर सकते हो जहाँ तक कि आप सेंसिटिव एरिया उनका नहीं बता रहे. तो वो सेंसिटिव एरिया तक मैं नहीं गई थी, मुझे भी पता है कि कहाँ पे नहीं दिखाना होता, ठीक है. दोस्तों दिल्ली टू बॉम्बे वाली हमने इतनी मस्त वीडियो बनाई है, वो इतनी चली भी है. हमने तो पुलिस वालों के आगे करी थी, मैंने तो पूरा चेकिंग प्रोसेस दिखाया उसमें. मैंने चेकिंग प्रोसेस दिखाया, मैं पुलिस वालों को भी वीडियो में लिया था उसमें. तो ये होता है ना कोई दोस्तों अपने, वो कहते नहीं जी हमारे जयपुर एयरपोर्ट के आप नहीं कर सकते. मैं कहा ठीक है जी, जयपुर में कोई ना कोई बचड़ामारी होती है. एक बार हम भाई के साथ जब गए थे, हमारे को होटल में चेक इन देने में लोग जज कर रहे थे. जयपुर में 3-4 बार हमारे पंगे हुए हैं, जयपुर के जजमेंटल हैं लोग. लेट इट बी, अब होगी. मैं इसको एक बात बोलता हूँ, मैं कहता देख जो भी है हर जगह हर टाइप के लोग मिलते हैं. मैं इसको ये बोलता हूँ कि कोई कुछ भी हो, तेरे को जिस टाइप के भी लोग मिले, हर जगह हर किसी की थिंकिंग ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड नहीं होगी. तो तू जहाँ पर भी जाती है, कहीं पर कैसा भी आदमी मिले ना, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा तोप हो या कोई कितना भी छोटा आदमी हो, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट किसी को मत करने दिया. अगर मैं इसको एक ही बात बोलता हूँ. और मैं ना बहुत एक्सट्रीम पोलाइट हो जाती हूँ जिनको मैं जानती नहीं ना, मन से बहुत एक्सट्रीम. जब लोग इससे डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं तब ये पोलाइट हो जाती है. तब मैं कह भी नहीं पाती कुछ, जब मेरे से कोई डिसरिस्पेक्टफुल होता है ना मैं कुछ कह भी नहीं पाती. तो मुझे बाद में याद आता कि मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी. बहुत सारी आदतें इसने दिल्ली वाली सीख ली, बस यही नहीं सीखी तेरी करने जो होता ना दिल्ली से हूँ डैश, वो वाली चीज इसने सीखी नहीं, वही नहीं. चलो कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी. कोई नहीं, अब हम आ चुके हैं. मैं जाऊंगा अभी एयरपोर्ट से फ्लाइट टिकट लेकर और फिर उस आंटी के आगे व्लॉग बनाऊंगा और फिर वो मेरे पास आएंगे. आई नो वो अपनी जॉब कर रही थी, बट एक जगह ये क्या है, मेरे को बार बार बोली थी कि यार वो बहुत ज्यादा बदतमीज. मैंने कहा सीधा यही बोल दिया कर कि आपको डिसरिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं, आप अपनी काम करो, मैं अपना काम करूँ, आप बोलोगे डिलीट कर दूंगी, बस इससे ज्यादा बात मत करो, जेल में डालना जेल में डाल दो, शायद उससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी. सही बात है, गलत काम करके हो जाएगी, सही काम करके तो कुछ भी नहीं हो पा रहा. वही इससे ज्यादा सब्सक्राइबर ना हमारे ना जब हम ब्लॉग डालते थे ना तब बढ़ जाते थे. अभी तो है बुरा वक्त, कोई बात नहीं, हम अच्छी और वीडियो बना रहे हैं और बनाएंगे, टेंशन कोई नहीं. टेंशन आप मत लेना, ओनली वे टू गो इज अप, ये हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं. और आज दोस्तों हमने दोनों ने तेल की मालिश करी है. मैं तो घर आया था तो मेरी ना खुजली हो रही थी, हिमगिरी तेल से मालिश करी हमने, और मैंने तो उसके बाद थोड़ा पानी भी छिड़क लिया था ताकि एकदम ठंडा हो जाए सिर. अब मेन बात पे आते हैं, अब बॉम्बे जाना है तो हमारे को पैकिंग स्टार्ट करनी है, डेंजर वाली पैकिंग स्टार्ट करनी. मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ पर बताऊंगी नहीं क्या चीज है. इतना बड़ा बॉक्स फॉर व्हाट ब्रो, फॉर व्हाट? आई आई अब इतने बड़े बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग सा पैक होकर जाएगा. अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग आप देख लेना. दोस्तों मैं अपने टिकट बचाने के लिए ना इसमें खुद लेट के जाऊंगा. ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, मशीन में जाऊंगा तो स्कैन करेंगे, हैराम इसमें तो पूरा बंदा डेड बॉडी. बोलूंगा दोस्तों मैं डेड ही हूँ अंदर से. जिंदा तो बस दुनिया को और जमाने को दिखाने के लिए हूँ. ठीक है दोस्तों, तो वी होप आप लोगों को कोमल की बनाई हुई आज की वीडियो अच्छी लगी.
मैं तो इसमें देखो बाद लास्ट के पार्ट में आया हूँ। देखो तो, दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, जब रणधीर नहीं होता। बट मैं इस पर बहुत प्राउड हूँ कि इसने ऐसी जगहों पर ही कभी भी नहीं करती, ऐसी जगहों पर ही मेरे पे छोड़ देती है व्लॉग करने की, रणधीर तू संभाल। बट भाई इस टाइम पे क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रही पब्लिक व्लॉगिंग और मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा हूँ जस्ट बिकॉज नहीं है, मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। कुकू ने भाई मैं बहुत प्राउड हूँ, इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करा, आई एम सो प्राउड। इसने हर जगह सेट पर जहाँ पर अलाउड था मेकअप आर्टिस्ट के आगे कास्ट के आगे, आई एम सो प्राउड। और जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा व्लॉग फ्लो में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा कपल व्लॉगिंग चैनल है और जब एक भी कोई मिसिंग होता है तो वो व्लॉग का मजा उतना दुगना नहीं होता, क्योंकि दुगने लोग नहीं होते, इसलिए दुगना मजा नहीं होता, ठीक है। और मेन बात है कि वहाँ पर काम करने गई थी तो काम वाली जगह पे दोस्तों काम करना जरूरी होता है पहले, ये तो हमारी सेकेंडरी जॉब है तो वही वाली बात है। कई लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया, मैंने कमेंट्स पढ़े कि भाई आपने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया, लेकिन एक बंदे का आया था कि अच्छे व्लॉग बनाए लेकिन रणधीर भाई मिसिंग है, उनका व्लॉगिंग करने का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है, और हम दोनों जब साथ में होते हैं हम तभी व्लॉग अच्छे से कर पाते हैं। तो लेकिन हमने अपना, क्योंकि हम अलग अलग जगह थे इसलिए हमने ब्लॉग तो करना ही था, इसलिए हमने करा। देखो दोस्तों चैनल ऐसे ही बनता, 25 मेरा 25 इसका 50 आपका, उसके बिना चैनल स्ट्रे आर्टिस्ट है नहीं, तो वही बात है 25 हटा दो या 25 हटा दो तो फिर वो कम ही रह जाता है। और अगर आपको भी इस 50 में शामिल होना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।